एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय क्लेवर बुक्स। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मेंस के पेपर को वन बाय वन डिकोड करूंगी या उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि कहां पर कौन सी चीज़ें जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और उसके बुक्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेन्स का जो MBBSC मेन्स का पेपर नंबर 5 देखें तो वो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपको जो हिंदी है उसको पढ़ना है, हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ना है और ये पेपर होगा 3 घंटे का, लेकिन इसमें जो मार्क्स होंगे वो सिर्फ होंगे 200 नंबर का पेपर है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, 3 घंटे का टाइम जो काफ़ी है इस पेपर को करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ पढ़ के बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंटली इसमें दी हुई है सिलेबस में, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है और उस पर ध्यान देना है, ठीक है। इस प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने, समझने और लेखन की योग्यता एवं हिंदी में स्पष्ट तथा सही विचार व्यक्त करने की जांच करना है। अब ये देखने में आप इसको स्किप कर देंगे, लेकिन ये जो चीज दी हुई है इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आपको इस चीज को ध्यान में रखकर ही हिंदी की पढ़ाई करना है। मोस्टली लोग क्या समझते हैं, हिंदी का एक पेपर बहुत इजी सा पेपर है, उसको इजीली आप कर लेंगे, उसको ज्यादा टाइम नहीं देना है। या यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों की बात आती है तो सेंटेंस फॉर्मेशन हो या जो मात्राएं हो या विराम चिन्ह हो उनको सही तरीके से यूज करना थोड़ा सा पॉइंट ये वीक हो जाता है, तो इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सिर्फ आपको चीजें पता नहीं होनी चाहिए, आपको सही चीज सही टाइम पर सही जगह पर लिखनी आनी भी चाहिए। तो यहां पर बात हो गई ये बेसिक चीज, इसमें जैसा कहा गया है कि स्नातक जो है ग्रेजुएशन लेवल का है इसमें हिंदी, पर अगर मेरी मानिए तो 11th-12th में जो चीजें पढ़ चुकी है ज्यादातर आपको वही चीजें इसमें लिखना या पढ़ना है हिंदी सब्जेक्ट में, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं आपको। तो बेसिकली आपको देखना है कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस जो है उसमें पहला दिया है क, पल्लवन संधि एवं समास। तो ये बहुत इजी सी चीज है, पल्लवन मतलब एक्सपैंडिंग या एक्सप्लेन करना कोई भी चीज को। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस को आपको एक्सपैंड करना होगा, या उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा सकते हैं आप, या फिर आप जैसा ठीक समझे, जैसा उचित समझे आप लोग, तो कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, उसको आपको 50 वर्ड्स में अबाउट आपको लिखना है या डिस्क्राइब करना है कि वो सेंटेंस जो है उसमें पर्टिकुलरली क्या कौन सी बात की जा रही है या क्या कहा जा रहा है, ठीक है। संधि और समास तो सबको पता ही होगा, संधि के टाइप आपको याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। मे बी उन लोग आपको एग्जाम्पल दे दे और आपसे पूछे कि इस पर्टिकुलर वर्ड में कौन सी संधि यूज की गई है, ठीक है। सेम फॉर द समास, समास में भी यही चीज हो सकती है, या तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसी समास के आपको इनफैक्ट सारे जितने भी समास है वो सब याद रखना है। और दूसरी बात क्या है, संधि और समास से रिलेटेड आपसे एग्जाम्पल पूछने के अलावा इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि संधि और समास में डिफरेंस क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। संधि और समास में डिफरेंस, इसकी परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ऐसी कि आप उसको एग्जाम में लिखे और पढ़ने वाले को लगे कि हाँ इस बंदे को सच में मालूम है कि क्या चीज है ये, ठीक है। दूसरा है संक्षेपण, संक्षेपण भी आना चाहिए आपको। संक्षेपण जो है आपको कोई पैराग्राफ दिया जाएगा उसको आपको छोटा करके लिखना है, ठीक है। उसमें एसेंस होना चाहिए, उसमें आप वर्ड्स चेंज कर सकते हैं पर उसमें एसेंस जो है पैराग्राफ का वो होना चाहिए, ठीक है। संक्षेपण हो गया। देन है प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आता है 15 नंबर का क्वेश्चन। प्रारूप लेखन में आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि प्रारूप लेखन के लिए आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। जो फॉर्मेट है, जो भी आप प्रारूप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया है शासकीय व अर्धशासकीय पत्र, तो शासकीय अर्धशासकीय पत्र में भेजने वाले का नाम कहाँ होना चाहिए, एड्रेस कहाँ होना चाहिए, पद और जो ऑफिस का नाम है वो कहाँ होना चाहिए, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। अगर ये चीज आपको पता है तो आप ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं, बीच का मैटर आप ऑलरेडी आप इस काबिल है कि आप बीच का मैटर अपने आप लिख सके। आपको याद क्या रखना है, आपको फॉर्मेट याद रखना है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। और फॉर्मेट अगर नहीं याद रखा ना तो कितना भी कुछ भी लिख लो जीरो मिलेगा, जीरो, ठीक है। फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट पे आपको मे बी आधे नंबर मिल जाए, कुछ तो नंबर मिलेंगे अगर फॉर्मेट सही है। अगर बीच का मैटर आपने बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं भी लिखा है तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फॉर्मेट बहुत सही होना चाहिए। अब इसमें परिपत्र होता है, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक या स्मरण पत्र, अधिसूचना, टिप्पण लेखन,
इनमें से कोई दो पूछे जा सकते हैं, जैसे जितने भी मैंने बताया है, तो इनके सबका सबका फॉर्मेट आपको याद रखना है कि आप ऐसी कोई ट्रिक बना सकते हैं जिसमें शॉर्ट में आपको समझ में आ जाए कि चलो ठीक है ये ट्रिक से हम लोग पढ़ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज का, जैसे विज्ञापन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पर लिखी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना है, फॉर्मेट आप याद रख लेंगे, बीच की चीजें आप अपने आप लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है प्रयोग शब्दावली तथा प्रारंभिक व्याकरण। तो प्रयोग शब्दावली और प्रारंभिक व्याकरण में आपसे क्या पूछी जाएगी, प्रशासनिक परिभाषाएं या शब्दावली। प्रशासनिक मतलब जो एकेडमिक चीज जो है, आप जैसे यही एक चीज है जो मैंने बोली अभी, प्रशासनिक या एकेडमिक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो ये हिंदी इंग्लिश बेसिकली ट्रांसलेशन होगा, और जिसमें आपसे या तो आपको हिंदी के प्रशासनिक शब्द दे दिए जाएंगे या फिर इंग्लिश के दे दिए जाएंगे, तो आपको उसको ट्रांसलेट करना है। तो ये हमारे डेली जो बोलचाल की भाषा है उसमें भी कई ऐसे वर्ड्स हैं जो हम हिंदी में यूज करते हैं और उनका हमको पता है इंग्लिश में क्या है, या नहीं भी पता है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बुक है, सॉरी मैंने बुक नहीं बताई है शायद, तो बुक आपको लेनी है जो महावीर पब्लिकेशन की चंचल जी की बुक है, वो आपको लेना है। वो बुक मोर देन एनफ है आई गेस, तो उससे आप पढ़ेंगे तो हिंदी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस करना है बार बार, ठीक है। सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उसमें, और जो इम्पोर्टेंट जैसे संधि समास और प्रारूप लेखन, ये चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और पारिभाषिक शब्दावली को डेली आपको पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करना, बार बार पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और जो इम्पोर्टेंट है उसी में से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रशासनिक शब्दावली के बाद है मुहावरे और कहावतें। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुहावरे कहावतें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी आपको रीड करना है, एटलीस्ट एक बार रीड कर लेंगे ना। कई बार क्या होता है कि आपको पता होता है, एक मुहावरा आपको दे दिया, आपको आपके मन में पता है कि आपको उसका मतलब क्या है, ठीक है, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आप इसको लिख के बताएं, कि इसका मतलब लिख के बताएं, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो उससे ऊपर आने के लिए, उस हर्डल को क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे वर्ड्स में आपको एक्सप्रेस करना है अपने थॉट्स को। नेक्स्ट है विलोम शब्द और समानार्थी शब्द। ये भी आपको पढ़ने से ही याद हो गया, हालांकि देखने में बहुत ईजी लगता है कि यार क्या है विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, नहीं लिख सकते हम लोग ने, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने कभी ना सुने हो जिनके विलोम शब्द या समानार्थी शब्द, तो वो कैसे आप लिखेंगे, तो उसके लिए आपको बुक पढ़ना होगा, ठीक है। जो महावीर पब्लिकेशन की जैसे मैंने बताया, वो बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं और उसमें रोज प्रैक्टिस करें, या आप उसको एक टारगेट रख लें कि हाँ वंस इन अ वीक आप पारिभाषिक शब्दावली या मुहावरे लोकोक्ति या इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये चार जो वर्ड्स है, ये चार कैटेगरी है वर्ड्स की। तो ये किस आधार पे, ये उत्पत्ति के आधार पे चार कैटेगरी बनाई गई है, जो ओरिजिन होता है उसके आधार पे चार कैटेगरी बनाई गई है। तो इसमें आपको देशज, विदेशी, तत्सम और तद्भव सब पढ़ना है। हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है देशज और विदेशी, लेकिन पूछा जा सकता है कि कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया, ये भी आपको बुक में ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। अब समानार्थी हमने देखा और पर्यायवाची देखा। समानार्थी जो शब्द है और पर्यायवाची, दोनों ही टाइप के आपको जो शब्द है वो पढ़ने हैं। देन है शब्द युग्म। शब्द युग्म में जो है क्या होता है कि दो वर्ड्स जो होते हैं वो कई बार, मतलब ऐसे होते हैं जो वर्ड्स साथ साथ में ही आते हैं, उनको शब्द युग्म कहा जाता है। देन है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश करने में तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, क्योंकि हम लोग हाई स्कूल से ये चीज़ें करते आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, पर फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है, एज आई सेड। तो नेक्स्ट है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन होता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग भी हम लोग स्कूल टाइम में काफ़ी कर चुके हैं, और अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बुक है ही आपके पास। रिपोर्ट राइटिंग में किस टाइप की रिपोर्ट पूछी जा सकती है आपसे, प्रशासनिक, विधि, पत्रकारिता, साहित्य व सामाजिक, तो इनसे रिलेटेड रिपोर्ट पूछी जा सकती है। इनका सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो सकती है, तो वो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है अनुवाद। अनुवाद जो है, अब देखिए अनुवाद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं, वर्ड टू वर्ड आपको सेंटेंस टू सेंटेंस करना है, वर्ड टू वर्ड नहीं करना है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अनुवाद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है, मेरे हिसाब से बहुत ईजी है। अगर आप कोई चीज़ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, तो वो है अनुवाद या ट्रांसलेशन। तो हिंदी का इंग्लिश में करना है और इंग्लिश का हिंदी में करना है, तो बहुत ईजी है, और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो आप डेली आप अपनी किसी भी बुक को उठाकर देख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिकल
सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको ऐसे पैराग्राफ नहीं दिए जाएंगे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो या समझ में ना आए. तो मेरे हिसाब से ये बहुत ईजी रहेगा, इसीलिए आप अनुवाद की प्रैक्टिस भी करेंगे तो अच्छी बात है, देख ले एक दो बार. और यहाँ पर एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय.